नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। ये मेरा तीसरा वीडियो है लर्न चेस विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 सीरीज का। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाइट ने खेला e4, ब्लैक ने खेला c6। अब यहाँ पर वाइट सबसे पहले खेलेगा सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल, जो कि है d4। ब्लैक भी खेलेगा d5, वो भी सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो हमारे लॉजिक्स थे 1 2 3 4 5 के, वो मैं शुरू की 10 से 15 चाल में इसको बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करूँगा, इसका प्रयोग करूँगा। अब यहाँ पर फिर से मेरे पॉन के ऊपर अटैक है, और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, कैन आई मूव इट, यस। कैन आई डिफेंड इट, यस। कैन आई डिफेंड इट विद अदर ऑप्शंस, यस। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। कैन आई एक्सचेंज इट, यस। तो मूव करना भी करेक्ट है, सपोर्ट करना भी करेक्ट है, और एक्सचेंज करना या कहे मारना भी करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको मार दूँ। ई क्रॉस d5, सी क्रॉस d5। अब बात आ रही है लॉजिक्स की, तो यहाँ पर मैं खेलूँगा लॉजिकली नाइट का 1 नंबर। मेरा पार्टनर भी खेलेगा नाइट f6, उसने अपने नाइट को 1 नंबर पे चला। अब मेरी बारी है, मैं खेलूँगा बिशप को, ये मेरा है 1 नंबर। अब जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चूँकि ये मेरा लर्न चेस विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी चेस बोर्ड पर क्या चल रहा है। मैं मेरे बिशप को चल रहा हूँ 1 नंबर स्क्वायर पे। अब ब्लैक की बारी है, ब्लैक के लिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा मूव है वो है नाइट c6। अब मेरी बारी है, मेरे पॉन पे एक अटैक है, एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कैसलिंग। अब बात आती है ब्लैक की कि ब्लैक यहाँ पर क्या खेले, क्या वो यहाँ पर e6 खेले डार्क स्क्वायर बिशप को ओपन करने के लिए, और e6 खेलते वक्त ये भी हो सकता है कि उसका लाइट स्क्वायर बिशप की डायगनल ब्लॉक हो जाए। तो ब्लैक ने सोचा क्यों ना यहाँ पर पहले बिशप g4 खेल लिया जाए। अब आप देखेंगे कि जब भी ये बिशप यहाँ पर आता है, इस नाइट को पिन किया जाता है, कि जिसकी वजह से ये नाइट d4 पे रखे हुए पॉन को सपोर्ट ना कर पाए। तो अब चूँकि मेरे d4 पॉन पर अटैक है, तो उसको बचने के लिए मैं क्या करूँ। कैन आई मूव इट, नॉट पॉसिबल, मैं d5 नहीं खेल सकता। कैन आई डिफेंड इट, यस। विद द हेल्प ऑफ c3 एंड बिशप e3 मैं खेल सकता हूँ। कैन आई एक्सचेंज इट, नो, मैं इस पॉन पर हमला करने वाले नाइट को नहीं मार सकता। कैन आई डू काउंटर अटैक, नो। तो मैं यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है c3 खेलने का, मैं इसको इस पॉन पर सपोर्ट दे दूँगा। ब्लैक खेलेगा e6, अब मेरी बारी है, अब मैं खेलूँगा मेरे बिशप को f4 स्क्वायर पे। मैंने आपको बताया था कि f4 और e3 किसी भी ऑर्डर में 1 एंड 2 नंबर है, तो मैंने f4 को 1 नंबर माना। ब्लैक की बारी है, ब्लैक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या खेले। वो बिशप को d6 पे रख सकता है, e7 पे रख सकता है। मान लीजिए उसने खेला बिशप e7। अब मेरी बारी है, अब यहाँ पर ये जो पिन है, मेरे नाइट पे अटैक है, इसको हटाने के लिए या तो मैं h3 खेल दूँ, या मेरे पास एक ऑप्शन और भी है। अब आप ध्यान से देखिए, अब मेरे इस नाइट के लिए 1 नंबर का स्क्वायर खाली नहीं है, तो मैं खेलूँगा नाइट d2, नाइट को 2 नंबर स्क्वायर पे चलूँगा। ब्लैक ने खेला कैसलिंग। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में हमारा जो सबसे मुख्य विषय है वो है शतरंज में शुरू की 10 से 15 चाल का महत्व। किसी भी चेस प्लेयर को स्टार्टिंग के 10 to 15 मूव्स में सभी पीसेस बाहर निकाल कर खेलना चाहिए, जिसमें मैं टोटल 5 वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें से ये फर्स्ट वीडियो सीरीज़ में मैं
11 वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, जिसमें आपको इन सभी 11 वीडियोस में ये समझ में आएगा कि जो मेरे लॉजिक्स हैं 1 2 3 4 5 उस सिर्फ उसी का प्रयोग करके, और इंटरनेशनल चेस थियरी किसी भी बुक से या किसी भी लिटरेचर से सीखे बगैर एक चेस प्लेयर को लॉजिकली कैसे खेलना चाहिए वो आपको बताया जा रहा है। अब मुझे क्वीन को बाहर निकालना है दोनों रुक्स को यहाँ रखने के लिए, तो अब डिपेंड करता है कि मैं क्या खेलूँ, क्या मैं क्यू सी टू खेलूँ या क्यू ई टू खेलूँ, ये फिर से एक्सपीरियंस की बात होगी। यहाँ पर मैं क्वीन को ई टू स्क्वायर पर रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ साफ दिख रही है, ब्लैक की सी फाइल हाफ ओपन है, तो यहाँ पे वो आर सी एट करके मेरी क्वीन पे इनडायरेक्ट अटैक कर सकता है। ब्लैक ने खेला क्यू डी सेवन, क्योंकि हमको शुरू की 10 से 15 चाल में डेवलपमेंट करना है। इसी के साथ मैं खेलूँगा आर ए डी वन, ब्लैक यहाँ पर खेल सकता है आर ए सी एट। तो ये मेरा तीसरा वीडियो था इस लॉजिक के ऊपर। धन्यवाद।